रहने वाली है। गॉड लाइक पिछले मैच में यहाँ पे मारते हुए नजर तो आई, क्या स्टीम सोल इस बार यहाँ पे बदला लेने वाली है इस टीम से, क्योंकि शुरुआत ये प्लेयर्स कर चुके हैं। ट्राई आउट क्या कुछ शॉट्स लेंगे, क्या गॉब्लिन मुश्किल में जा सकते हैं? जी हाँ, गॉब्लिन यहाँ पे बहुत लो कर दिया जाते हैं, उनकी स्टिल बच जाएगी, अपने आप को हील अप करेंगे जरूर, लेकिन अक्षत कवर देने के लिए हमेशा ये प्लेयर रेडी रहता है, रहेगी जरूर, लेकिन हेक्टर नॉक है, हेक्टर को रिवाइव मिल जाए ना तो मेरे ख्याल से सोल के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि चारों प्लेयर जिंदा रहे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन गॉड लाइक के प्लेयर्स को प्रेस दिए जाएंगे, मुश्किल में खड़ी की जाएगी, लेकिन गॉब्लिन ये नॉक होने का बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, लेकिन इसमें एंड गॉब्लिन को यहाँ पे कवर मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। एंड सोल वर्सेस गॉड लाइक की शुरुआत यहाँ पे फिर से हो चुका है, देखने वाली बात रही है, सोल जो ये फाइट को छोड़ के वहां से निकली थी यहाँ पे आगे इस चीज का फायदा उठा पाएगी, एक अच्छा नेड आएगा जरूर, लेकिन ज्यादा टाइम में जहाँ पे मिलेगा नहीं इस चीज से कवर देने के लिए, टीम सोल के सारे प्लेयर्स रेडी, लेकिन ट्राई आउट एक्टर को नॉक करेंगे इसी ट्रेड के बीच में, ओमेगा नियो को नॉक कर देंगे, ट्राई आउट एंड जॉनाथन आखिरी दो प्लेयर स्टैंडिंग, जॉनाथन को भी नॉक कर दिया जाएगा, ट्राई आउट बचेंगे आखिरी खिलाड़ी, अक्षत यहाँ पे बहुत अच्छा कवर देते नजर आ जाएंगे, ट्राई आउट पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर, पूरा भार इनके कंधों के ऊपर, देखने वाले बता ट्राई आउट अकेला प्लेयर कुछ कर पाएगा? जी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोल गॉब्लिन फिलहाल के लिए जिंदा हो, लेकिन चलिए एक स्नीकी मूव रहेगा नेड करने का, लेकिन नेड कैंसिल करेंगे, एविल सुरे का स्प्रे लेगी, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ अलग हुआ था, लेकिन चलिए यहाँ पे गॉब्लिन फिलहाल के लिए फिनिश होते सामने से आ रहे, अगर एमजी को यहाँ पे मारा तो फायदा बाकी टीम्स का होगा, लेकिन ओमेगा अरे सबमरीन बना के इस टाइम पे बैठे, अक्षत नॉक जरूर हो चुके, लेकिन अकेले प्लेयर ओमेगा गाड़ी के ऊपर जाएंगे, सोल यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन टीम एक्सो इस चीज का फायदा जरूर उठाएगी। मैं